हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैटी लाइव ब्लॉग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनों का भी अच्छे से ख्याल रखते होंगे। जी हाँ, सबके साथ अपना केयर जरूर कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। 19th और 20th को इतना ज़्यादा स्नोफॉल था कि पूछिए मत, स्नो स्टॉर्म ही आ गया था। बहुत सारे फ्लाइट भी कैंसिल हो गए, बहुत ही खराब सा माहौल हो गया था। पर जो घर बैठ के नज़ारे देखते हैं उनके लिए तो मानो जन्नत है। देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि ये स्नो नहीं, प्लेन पेपर के ऊपर एक स्केच बना है। और ऐसे ठंडे से मौसम में पूरियों का अलग सा मजा है। कल की बची हुई छोले के साथ पूरियां बहुत अच्छी लगती हैं, और सारे पूरियां गोल गोल फूले ये जरूरी तो नहीं। देखिए, जैसे ही स्नो जमा हो जाता है और अच्छा खासा स्नोफॉल हो जाता है तो बच्चे आखिर इतना धूम मचाते हैं और इतने अच्छे से खेलते हैं। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तब उड़ीसा में स्नोफॉल तो नहीं होता, पर हाँ, किसी के घर के सामने कंस्ट्रक्शन के लिए आया हुआ सैंड जमा हो तो हम जाकर ऐसे ही उछल कूद करते थे। बच्चे स्लेज लाकर या फिर ऐसे स्नोमैन बनाकर खूब एंजॉय करते रहते हैं, और मुझे इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, जहाँ थोड़ी सी स्नोफॉल रुकी या फिर कम हो जाती है तो तुरंत आकर इस तरह से रोड को क्लीन किया जाता है। चलिए, ब्रेकफास्ट भी हो गया हमारा, अब गर्मा गर्म चाय की बारी। और मैं चाय के साथ ही राइस और आज बनाएंगे डालमा। कंफर्ट फूड है भात और डालमा। तो डालमा बनाने के लिए मैंने पानी गर्म कर दिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला। तुअर दाल मैंने 1 कप धोकर रख दिया। और देखिए, इस तरह का जो लंबा सा यहाँ पर दिया गया है पेंट्री के लिए, मुझे बहुत पसंद है। और नीचे मैंने यहाँ पर भगवान जी रखा है, पर अगर आप चाहें तो इस तरह के पेंट्री के नीचे बड़े बड़े डब्बों में राइस या आपका आटा भी रख सकते हैं, बहुत यूजफुल है ये। इस तरह का रेक या फिर पेंट्री हर किसी को घर में रखना चाहिए। और देखिए, फिर से स्नोफॉल स्टार्ट। मतलब 5 या 10 मिनट के लिए रुकी होगी, उसके बाद फिर से शुरू। देखते ही देखते स्नोफॉल इतना सारा कि जो अभी अभी साफ दिख रहा था रोड, वो भी स्नो से ढक गया। और बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। फर्स्ट स्नोफॉल का तो मजा सब उठाते हैं। और ये देखिए, बालकनी खोलने की आवाज से मैं जाकर देखने लगी तो ये चुपचाप आकर बैठा है। पर यहाँ क्या हुआ था अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे ही बालकनी में थोड़ा सा स्नो गिरे तो हम ऐसे जाके अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिखते हैं, और ये बदमाश जाके अपना फुटप्रिंट्स बनाता है। छोटी छोटी सी मस्ती तो सबको अच्छा लगता है, और बेटा भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। चलिए, इन्हें भी एंजॉय करने दिया जाए, क्योंकि स्कूल में भी ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और गर्मा गर्म चाय, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद सबको पसंद है। वैसे तो मैं चाय नहीं पीती, पर अपने आप को रोक ही नहीं पाई, एक कप चाय मैंने भी उठाया। अब जैसे ही दाल बॉईल हो जाए तो हम इसे ढककर हाई हीट पर 2 सीटी कर लेंगे। इन पंछियों को देखकर बहुत बुरा लगता है, ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। और हाँ, यहाँ पर नीचे लोग जाकर पंछियों को खाना भी देते हैं, बालकनी में मना है।
दाल बॉईल होकर खुल चुकी है। अब हम सब्जियां डालकर बॉईल करेंगे। यहाँ मैंने स्वीट पटाटो लिया है, ब्रिंजल लिया है, आप आलू डाल सकते हैं, मेरे पास स्वीट पटाटो था तो मैंने लिया। पम्पकिन, गाजर, बहुत सारी सब्जियां डालते हैं, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। टमाटो और थोड़े से हरी मिर्च डालेंगे। दाल को जैसे ही दो सीटी करके फिर खुलने के बाद हम फिर से उसे बिठाएंगे और उसके साथ हम सारी सब्जियां और नमक डालकर फिर से दो सीटी कर लेंगे। इतने में ही सारी सब्जियां पक जाएंगी। और स्नोफॉल बस चल ही रही है और बालकनी में जमा हो रहा है स्नो। ये सब नज़ारे देखते देखते कुकिंग करने का अपना ही मजा है। अब जैसे ही आप इसे खोलें तो थोड़ा सा इसे मैश कर लें। दाल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो स्टेज पर ज़रूरत के अनुसार आप पानी मिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ हम एक मसाला बनाएंगे जिसमें हाफ टी स्पून जीरा लिया है मैंने, 8 से 10 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 3-4 सूखी मिर्ची। अब इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाएगा निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर कूट लेंगे। अब ये मसाला हम दाल में डालेंगे। दाल मैंने बॉईल करने के लिए फिर से रख दिया है, उसे एक उबाल आने देंगे। और फिर तड़के के लिए मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। घी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून पंचफुटन दिया है। पंचफोरन सबको पता है क्या होता है, 5 स्पाइसेस का मिक्स, और एक तेज पत्ता। उसके बबाद थोड़ा सा हम इसमें 3 या 4 लहसुन फाइनली चॉप करके डालेंगे और एक छोटा सा प्याज हम डालेंगे। बस इसको अच्छे से भून के हम फिर दाल में मिक्स करेंगे। मैंने कूट के रखा हुआ मसाला डाला है। आप इसके जगह खाली अगर जीरा और सूखी मिर्च का पाउडर डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और फिर इस तरह से एक तड़का बनाएंगे और दाल में मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए प्याज तो फिर मिक्स करके इसे तुरंत ढककर हम अलग रख देंगे। अब बस तैयार है डालमा। इसे नींबू मिक्स करके हम एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म डालमा और गर्मा गर्म राइस तैयार है। राइस के ऊपर भी मैंने घर का बना घी डाला है। जैसे साउथ इंडिया में नॉर्मली राइस सांभर खाते हैं, वैसे ही उड़ीसा में ज़्यादातर घरों में भात और डालमा खाया जाता है। गर्मा गर्म डालमा के ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के राइस के साथ इसे एंजॉय कीजिए। सारी सब्जियां भी डली हैं तो बहुत हेल्दी होता है और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। सब्जियों के लिए चिक चिक नहीं करते और इसे आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म भातो डालमा, उड़ीसा का कंफर्ट फूड। इसे बहुत से लोग बहुत तरह से बनाते हैं। लीजिए फिर से स्नोफॉल, और जल्दी ही अंधेरा सा छा गया है और बच्चे बेच बाय बेच आकर खेलते ही जा रहे हैं। स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, लाइक स्नोमैन बनाना या फिर बहुत सारे स्नोबॉल बनाकर खेलना, स्नो में स्नो फेरिस बनाना, ये सब। बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ता है और स्कूल में भी बच्चों को बाहर जाकर एक्टिविटीज करने को मजा आता है, सब इंटरेस्ट लेकर करते हैं। यह मैंने कल बनाया था बड़ा और फ्रीज में रखा था। इसे मैं गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए और फिर हम बनाएंगे दही बड़े। यहाँ मैंने प्लेन कॉर्ड लिया है
उसको अच्छे से फेंट लिया है। उसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे चाट पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और काला नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालेंगे। अपने स्वाद के अनुसार आप मिक्स कर लें और फिर गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ बड़ा जो है उसको निकाल लें। आप छाछ में भी मिक्स करके इस तरह से रख सकते हैं, पानी की जगह आप छाछ यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ थोड़ा और पानी मिक्स करके हम इसका घोल बना लेंगे और फिर बड़े इसमें डाल लेंगे। मैं ये प्लेन वाला जो नॉर्मली घर में बनता है वैसा ही बना रही हूँ। अगर आपको घर का बना दही यूज करना है तो फिर आमचूर मत डालिएगा, और अगर शुगर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा शुगर भी डालिएगा। इस तरह का पानी पानी वाला दही बड़ा यूजुअली उड़ीसा में हर घर में बनता है, पर हाँ टेस्ट के अनुसार कोई गाढ़ा दही यूज करता है तो कोई इस तरह से थोड़ा पानी वाला यूज करता है। और मैंने यहाँ पर थोड़े से रिफाइंड ऑयल में, यानी 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा पंचफोरन, 1 या 2 सूखी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते तड़का लगा के फिर दही बड़े में डाल दिए हैं। तो बस इसे हम ढककर आधा घंटा रखेंगे और फिर जैसे ही फूल जाए खाने के लिए तैयार है। आप इस तरह से बड़े बना के फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और ये देखिए शाम को कितना ज्यादा हवा और स्नो स्टॉर्म, स्नो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर ऐसे मौसम में भी सारे लोग बाहर जाके खूब धमाल मचा रहे थे और ये दोनों भी चल पड़े। कुछ इनका बर्थडे का प्लान अधूरा रह गया था तो उसको पूरा करने, और देखिए वो कैसे पीछे पीछे आ रहे हैं, कोई और रास्ते में जो चल रहे थे क्योंकि सीधा मुंह पर आ रहा था स्नो। पर ऐसे मौसम में भी 1 या 2 साल के बाद आप यूज्ड हो जाते हैं, तो बाहर जाने पर भी आपको उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस प्रॉपर ड्रेस पहन के ही जाना है। लीजिए आ गए दोनों, बस पास ही गए थे, आधे घंटे के रास्ते पर ही, 15 मिनट का रास्ता है, जाने का 15 मिनट, आने का 15 मिनट, आधे घंटे में जाकर आ गए। और ये बर्गर पार्टी बेटे की फरमाइश थी क्योंकि पापा का बर्थडे थोड़ा प्लेन हो गया था। चलिए ये सब मस्ती तो नॉर्मली चलती ही रहती है, और इनका बर्थडे है तो हम बर्थडे नहीं मनाते, बर्थ वीक मनाते हैं, यानी कंटिन्यूअसली 1 वीक तक ये सब चलता रहेगा। स्नो देखिए रात भर स्नो चलती ही रही, यानी 28 को जो स्नो हुआ तो बस सुबह तक रुकने का नाम ही नहीं लेता। रात के 10 बजे इतना सारा स्नो जमा हो गया था। कभी कभी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि हमारे लिए रहने के लिए एटलीस्ट घर तो है, वरना जो बिना घर के रहते हैं वो लोग कैसे रहते होंगे। भगवान करे उन सबको इस तरह की कड़क सर्दियों में आश्रय के लिए कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।